हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित सर अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम के बारे में दोस्तों। वो दोस्तों नियम कौन सा है? तो दोस्तों वो नियम है कुलाम का नियम, यानी कि कुलाम जी ने अपना एक विद्युत से रिलेटेड नियम दिया था। आज हम उसी नियम के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनका नियम किस प्रकार से है, आइए हम देखते हैं। तो इनका नियम है दोस्तों, दो स्थिर बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तभी ये नियम बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं कि दो स्थिर बिंद आवेश, मान लेते हैं कि कोई स्थिर बिंद आवेश है। जैसे मान लिया कि ये फिगर हमने यहाँ पर नीचे बना दिया दोस्तों, इसमें दो स्थिर बिंदु आवेश है। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी को दिख ही रहा है कि यहाँ पर Q1 स्थिर बिंदु, मतलब यानी कि फर्स्ट बिंदु आवेश है फ्रेंड्स, और ये सेकंड बिंदु आवेश है। तो जो दोस्तों इसमें फर्स्ट ये बिंदु आवेश और ये जो सेकंड बिंदु आवेश है, इसी की सहायता से आज हम समझेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि एक ये स्थिर बिंदु आवेश और एक ये स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि जब ये प्लस और माइनस होंगे तब ये दोस्तों इनमें आकर्षण होगा, और जब ये प्लस प्लस होंगे तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, या माइनस माइनस होंगे तो दोस्तों क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, और जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। तो वही कह रहा है कि दो स्थिर, यानी कि एक स्थिरीय और एक स्थिरीय, दो स्थिर बिंद आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इस आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इस आवेश की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यानी कि इन आवेशों के बीच की दूरी जो है आर है, इसके दोस्तों क्या, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे दोस्तों हम इक्वेशन के द्वारा कैसे समझेंगे, चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या लग रहा है दोस्तों, इस पे बल लग रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो यानी कि F लग रहा है जब दोस्तों यहाँ पर, तो F किसके लग रहा है दोस्तों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ कि यही कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि इस पे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगा, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 होगा, और दोस्तों इस पे भी तो लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, यानी कि इस पे भी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इसके वर्ग की, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि क्या कह रहा है दोस्त, इसमें फ्रेंड जो लगेगा इसमें फोर्स वो लगेगा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया, यानी कि यही तीन इक्वेशन इस नियम के द्वारा बन रहे हैं, कुलाम के नियम के द्वारा। तो दोस्तों चलिए हम ये जो तीन इक्वेशन है, इन इक्वेशन को आपस में क्या कर लेते हैं दोस्तों, ऐड कर लेते हैं, इससे जो मल्टीपल होगा वो करेंगे। तो समीकरण एक दो व तीन से, समीकरण एक व एक दो व तीन से, तो दोस्तों इसमें अब देख लीजिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 है। तो दोस्तों यहाँ पर F तीनों में कॉमन है, देख लीजिए F इसमें भी कॉमन है, F इसमें भी कॉमन है, और F इसमें भी कॉमन है। तो F को यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लगा देते हैं, उसके बाद में Q1 व Q2 देख लीजिए अपर साइड में है, यानी कि इस वाले पार्ट में है Q1 व Q2। तो दोस्तों यहाँ पर Q1 वह Q2 लिख देंगे, उसके बाद में बटा लगाकर यहाँ R² नीचे के लिए इसमें ही बच रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर R² लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो दोस्तों वो कांस्टेंट क्या होगा, तो दोस्तों इसे हटाने के लिए यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे, और दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, के कांस्टेंट जोड़ेंगे, क्या दोस्तों जोड़ेंगे के, जिसे हो जाएगा Q1 Q2 / R². अब दोस्तों जो यही के है, अब इसका कुलाम जी ने एक मान दिया है दोस्तों, वो मान क्या है में दोस्तों, तो वो मान है F = के का मान होता है दोस्तों यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इंटू Q1 Q2 / R². दोस्तों यही न्यूटन जी का नियम है, इसे ही
न्यूटन जी ने बताया था, वो सॉरी कुलाम जी ने बताया था दोस्तों। तो यही कुलाम जी का नियम है, जिसे दोस्तों मैंने आप सभी के साथ प्रूफ कर दिया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये नियम समझ में नहीं आया तो आप एक दो बार इसी वीडियो को और ज़्यादा देख लीजिए। आइए हम समझा भी देते हैं एक बार दोबारा आपसे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो ये आवेश इन दोनों के आवेशों के जो मात्रा है उनके अगर ये हमने बताया कि सजातीय हैं तो क्या होगा, ये इसमें प्रतिकर्षण होगा, विजातीय हैं तो आकर्षण, तो यानी कि इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण के अनुक्रमानुपाती एवं की जो बीच की दूरी है दोस्तों इसके क्या होगा है व्युत्क्रमानुपाती। और इसका जो दोस्तों डायरेक्टली वो बनता है फार्मूला वो दोस्तों क्या है, एफ इक्वल टू 1/4π ε0 q1 q2 / r2। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।